तो प्रमोद भी साहब हमारे साथ हैं, सुबह अपना वोट पोल करके आए हैं, क्या उत्साह है जी पूरे पानीपत में? आज सुबह मैंने 112 बूथ पे शिवाजी स्टेडियम में पोल किया अपने बेटे राहुल जी के साथ, भारी उत्साह था, बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी और हमने प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए, ये नहीं कि हम लाइन तोड़ के आगे जाए, आज नागरिक सब बराबर है, आज के दिन सबको अपने प्रोटोकॉल में रहना है, तो लाइन में लग के लगभग 40-45 मिनट लगे वोट किया है, वो हम भारी उत्साह देखने को मिला। मैंने ये भी देखा कि जिनके वोट पहली बार बने हैं उन बच्चों बड़ा उत्साह था और महिलाएं भी बहुत भारी संख्या में वहाँ थी, लोगों में उत्साह। ये महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है और सब इसमें भागीदारी अपनी दे रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। और आप देखिएगा, मुझे लगता है कि पानीपत विधानसभा में, बाकी तो मैं कहीं अभी गया नहीं हूँ, यहाँ तकरीबन 70-75% की पोलिंग हो सकती है, ऐसी उम्मीद है। प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियाँ कहीं जा रही थी, आपको लगता नहीं कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं टेंट की सुविधा नहीं कर? व्यवस्था की गई है, ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन गर्मी बहुत है, पानी की लागत बहुत चल रही है, जहाँ जहाँ ऐसी कमी आ रही है हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं फटाफट कंटेनर भेजे, वहाँ कंटर आ रहे हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गर्मी वाकई है बहुत, शायद लागत बहुत ज़्यादा इसलिए ख़त्म हो जाता है, लेकिन व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट डालना है। महंगाई के मुद्दे पे तो आज नज़र आ गया मुझे कांग्रेस का, मॉडल टाउन में जहाँ पे उनके मुख्य नेता हैं आप जाके देख सकते हैं, शायद महंगाई की वजह से उन्हें टेंडर ही लगाया होगा, बाल विकास स्कूल में उनका टेंडर नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में उनका टेंडर नहीं है, शायद महंगाई उनको ज़्यादा पड़ गई है लगता है ऐसा, बाकी जनता पे इस चीज़ का कोई असर नहीं है, जनता मोदी में है इस टाइम, सभी लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक तो आज मत ज़्यादा प्रतिशत डलेगा और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के हक भी है, लोग बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं विधानसभा। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बस्ता उठाने वाला मालटाउन इलाके में, आप देख सकते हैं जाके, नाम बता रहा हूँ, बाल विकास स्कूल में देख लीजिए नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में बस्ता नहीं लगा उनका, जहाँ के मालटाउन तो उनका एक तरह से उनके शीर्ष नेता मालटाउन में रहते हैं, वहाँ भी नहीं लगा, तो स्थिति उनकी बड़ी गंभीर है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है बैठाने का, पेड़ लोग हैं या कौन है मालूम नहीं, लेकिन बहुत जगह उनके कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन उनके शीर्ष नेता तो दावा कर रहे थे, गली गली प्रचार था उनका बहुत ज़्यादा था, आपकी पूर्व विधायिका जो थी आपकी पार्टी की, उन्होंने भी खूब प्रचार किया। देखिए, पूर्व विधायिका थी, अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, ही उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उनको प्रयास करना उनका धर्म बनता है, जिस पार्टी में रहे धर्म से काम करें, निष्ठा के साथ काम करें। लेकिन मैं आपको एक बात दिखा रहा हूँ ना, जहाँ उनके बूथ ही नहीं लगे, अभी हम शहर में जा रहे हैं, आपको शाम तक सूचना देंगे कि कौन कौन से बूथ नंबर पे उनका कोई टेंट भी नहीं लगा, पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हुए हैं, बड़ी गंभीर स्थिति है कांग्रेस के लिए, जमानत बचाएं अपनी। अच्छा, विद प्रूफ विद फोटो आप खींच रहे हैं कि कोई नहीं बैठा हुआ? नहीं, मैंने फोटो नहीं खींचा, आपकी टीम बताएगी, मतलब 17 पे 18 पे 19 पे सूचना आ जाती है। देखिए, हमारा ये अच्छा लगता है, हम फोटोग्राफी नहीं करें इस चीज़ की, लेकिन आप खुद जाके देख सकते हो, बाल विकास में और गवर्नमेंट स्कूल मालटाउन में दो बूथ ऐसे हैं, दो पोलिंग स्टेशन, बूथ नहीं पोलिंग स्टेशन, जहाँ उनका कोई आदमी है ही नहीं। अच्छा, गर्मी पड़ रही है, आप लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि वोट पोल करना जरूरी है, कोई सशक्त सरकार आएगी तो तेज चलाएगी। ये कुलवंजी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके माध्यम से मैं आग्रह कर रहा हूँ, इस समय भी पोलिंग शुरू हो चुकी है, जनता अपना निर्णय देने के लिए पोल जरूर जाए, वोट करने जरूर जाए, ये उनके फ्यूचर की बात है, वो कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा वो भारत चाहते हैं, इस सब के लिए उनका सबसे मत का उपयोग करना बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, हर हालत में वोट करने के लिए जुड़ जाए, और सरकार ने पूरी सुविधाएं दी हुई हैं, पोलिंग स्टेशन में आप देखिए कई छायादार लगे हुए हैं, कई पेड़ों के नीचे है, बहुत बढ़िया व्यवस्था। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे पहला चुनाव था, संजय भाटिया 6.5 लाख की लीड थी, मनोहर लाल जब आए हैं, चुनाव बड़ा टफ हुआ है, 9.5 साल उन्होंने राज भी किया है, आंकड़ा पार कर पाएंगे आप, मतलब एनालिसिस क्या करते हैं? ये गुलन जी, कैसा टफ इलेक्शन है, शाम तक आपको सूचना देंगे कि कितने पोलिंग स्टेशन में उनके जब आदमी नहीं है, काहे का टफ इलेक्शन है। मुझे लगता है कि संजय भाटिया जी का मनोहर लाल जी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अरे भाई, प्रमोद भी साहब हमारे साथ थे, शहरी विधायक हैं और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आप ये देख सकते हैं कि धूप जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हालांकि जो है लोग कम होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से अपील है कि आप लोग घरों से ज़रूर निकलिए, वोट पोल जो है वो ज़रूर करें। इस बूथ पर हमें पीने के पानी की सुविधा जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर जो है कैंपर भी रखे गए हैं और यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा है, और आर्य कॉलेज के बिल्कुल बाहर से आपको ये लाइव तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं, और लोगों में उत्साह है चुनाव को लेकर, चाहे गर्मी हो चाहे जितनी मर्जी धूप है, लोग जो है चुनाव
के लिए पोलिंग जो है करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और घरों से निकलिए, चुनाव का दिन है, एक दिन छुट्टी का दिन है, आप इस पर्व को जरूर मनाएं।